हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी में सामूहिक विवाह योजना 2019 में आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2019 का संचालन किया जा रहा है और प्रदेश के नागरिकों से सामूहिक विवाह योजना 2019 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सामूहिक विवाह योजना 2019 के अंतर्गत कोई भी गरीब नागरिक आवेदन कर सकता है। यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता और एक स्मार्टफोन उपहार के रूप में दिया जाता है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 में आवेदन करना चाहते हैं और यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आज की इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 का संचालन किया जा रहा है। पहले यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने 20,000 की धनराशि को बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिए हैं। 35,000 की धनराशि में से 20,000 कन्या के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। उसके साथ ही 10,000 के कपड़े, बिछिया, पायल, 7 बर्तन और 1 जोड़ी कपड़े खरीदे जाएंगे और 5,000 पंडाल आदि दूसरे खर्चों में लगाए जाएंगे। इस तरह पात्र नागरिकों को टोटल 35,000 रुपये का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का संचालन सही ढंग से हो इसके लिए जातियों को आरक्षण भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति को 30%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 35%, सामान्य वर्ग को 20% और अल्पसंख्यक को 15% का आरक्षण प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा, इसलिए योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का गरीब नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि विवाह करने वाले कन्या की आयु 18 साल से ऊपर और लड़के की आयु 21 साल से ऊपर होनी जरूरी है। आवेदनकर्ता नागरिकों की आय ग्रामीण क्षेत्र के 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा 2 कन्याओं की शादी एक सामूहिक विवाह में आयोजित की जा सकती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। चलिए बात करते हैं इसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। वर और वधु की लेटेस्ट फोटो चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। रेजिडेंशियल प्रूफ जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल इत्यादि कोई भी हो सकता है। आयु प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र इनमें से कोई भी चल सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी गरीब नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है। योजना के अंतर्गत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी लाभ प्रदान किए जाते हैं। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसका आवेदन ऑनलाइन नहीं कर सकते। सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आपको केवल ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा, जिसके लिए आप नगर निगम या नगर पालिका या फिर नगर पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। आवेदन करने के लिए आपको यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा और आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होगी, जिसके बाद आपको इस फॉर्म को पूरी तरह से भरकर रिलेटेड ऑफिस में जमा कराना होगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि यूपी सामूहिक विवाह योजना 2019 क्या है और आप इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।